जवान हो तो बाप रे बाप के लिए कितने सारे लोग। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का कॉल है खटोला नंबर 2। तो खटोला नंबर 2 से कॉल आया है, कोई साफ देखा गया है और किसी को वाइड भी किया। कार कम ले लो कुछ ना कर है इधर। हाँ, तो इनको सांप ने काटा तो कौन सा की शब्द कम ले लिया? हिंदी कौन सा साफ ने काटा? यही वाला फन वाला था, तो वो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था। तो फ्रेंड फाइनली चलते हैं, देखते हैं कौन सा सांप है, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वो सांप कैसा और कितना बड़ा है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे। लाइट तो रही है, बंद रही है, घरे जाबो के लिए। तो फ्रेंड्स, सांप को यहाँ देखा गया है। कौन सा ये कौन है कहीं को हमारे को वो बटन कौन है बटन है ना जाओ हमें धड़ रही से जा जाओ तुम्हें आशो अरे भगवान हो तो अमर को कौन है कोई अरे कौन है शो। तो यहाँ पे लाइट लगाया जा रहा है, देखते हैं थोड़ा सा रोशनी हो तो आप देख सकता है कितना बड़ा सांप है। एक बार आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक टायर पड़ा है और घर की स्थिति आप देख सकते हैं, कच्चा मकान है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा सांप है। तो फ्रेंड फाइनली इसको करेंगे अभी रेस्क्यू। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सांप है। और सांपों को देखने के लिए कितने सारे लोग एकत्रित हो गए। सांप एक ऐसा चीज है जिसको देखने के लिए हर किसी का मन चाहता है। आप देख सकते हैं सांप का नाम से भय है, सांप के नाम से डर है। और देख सकते हैं इसके आकार देख के तो और भी लोगों को ज्यादा खतरनाक लगता है। तो ऐसा नहीं है कि यह सांप काटता नहीं है, यह सांप भी काटता है, लेकिन इसको पकड़ने का तरीका होता है। एक मिनट चुप करो तुम। इसको पकड़ने का एक तरीका होता है और वो सिर्फ एक एक्सपर्ट का काम है, क्योंकि अगर कभी आप लोग भी ऐसा रेस्क्यू करेंगे तो फाइट हो सकता है, क्योंकि डर हमें भी लगता है। क्योंकि इतना बड़ा सांप होगा, इतने लोगों के हाथ से बचते बचते कितने घरों में घूमते घूमते इतना हाई हुआ इसका। देख सकते हैं, इसे ही हम धामन के नाम से जानते हैं, धामन सांप, और हिंदी में घोड़ा पछाड़। और कहीं कहीं जगह ये ऐसा भी बोला जाता है कि यह सांप गाय का पैर बांध के दूध पीता है। सुनी सुनो तुम्हारा वो आए तो मानुष आर की सब पाए घोड़ा पछाड़ कत जगह अलग अलग नाम से डाके। तो फ्रेंड ये जब किसी के घर में आता है तो किसी को बाइट करने के लिए नहीं आता है, ना ही किसी का जान लेने के लिए आता है। ये भी सिर्फ अपने पेट के लिए ही आता है, क्योंकि
हर चीज को जिंदा रहने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होता है, तो उस प्रकार से सांप है, छिपकली, मेढक, कोई भी चीज होता है, हर किसी को भोजन के तलाश में वो कहीं ना कहीं चला जाता है। तो आप देख सकते हैं, और इसका अभी भी बहुत सारे अंधविश्वास है। कहीं लोग ये भी बोलते हैं कि इसके पूंछ में कांटा होता है। एक बार जूम करना, जूम कर। तो फ्रेंड, इसके पूंछ में किसी प्रकार का कांटा नहीं पाया जाता है, और यहाँ तक के भी अंधविश्वास है कि इसके पूंछ मारने से की है गोली जाए ना, कोई ना मनुष्य कोशिश है। तो अभी भी समाज में इतने सारे अंधविश्वास फैला है, क्योंकि यहाँ के लोगों से ही हमें पता लग रहा है कि इसके पूछ से अगर किसी को मार दे तो वहाँ सड़ जाता है, गल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जिसके मुंह में जहर नहीं होता उसको पूछ में कहाँ से आएगा, ये एक सोचने वाली बात है। दिखा गया कौन एट आ गई? तो फ्रेंड, थोड़ी देर पहले ही देखा गया था, और हमारे फोन करने कोटुक्ष में आई थी हमें 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट। तो 15 मिनट का समय लग गया, क्योंकि हमें जब भी रेस्क्यू कॉल आते हैं तो हम 10-5 या तो जैसे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि सांपों से इंसान बचे रहे और इंसान से सांप। तो वैसे ये काटता नहीं है उतना जल्दी, जब इसी से छेड़छाड़ होता है या तो कोई भी कुछ होता है उसी टाइम ये स्नैक बाइट करता है। और ये जब जीप को निकालता है तो ये भी एक कमाल की चीज है, क्योंकि ये हवा में मौजूद तमाम पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है। उसके बाद ये पता लगाता है कि हमारे आगे जितने भी लोग खड़े हैं वो शिकार है या शिकारी, वो हमें मारने वाला है या बचाने वाला है। तो जिस सांप को खतरा महसूस होता है सिर्फ वही वाइट करता है, जिसको खतरा महसूस नहीं होता है उसे वाइट नहीं करता है। जैसे कि हम सांप को ये पकड़ा तो हम इसको स्लोली पकड़ते ढीला, ताकि इससे कोई तकलीफ ना हो और इसे ऐसा ना लगे कि मैं इसे मारने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, और ये इतने सारे लोगों को देखकर खुद ही भयभीत हो रहा है, इसीलिए वो जीप को बार बार निकाल के अपने सूचना अपने दिमाग तक पहुंचा रहा है। उसके बाद उसे पता लग रहा है कि आगे क्या चीज है। तो अक्सर घरों में अनाज, और अनाज को खाने के लिए चूहा, और चूहा को खाने के लिए सांप, ये एक इकोसिस्टम है। तो फ्रेंड, इसको अभी करेंगे फाइनली पैक, उसके बाद नेचुरल हैबिटेट में रिलीज करेंगे। उससे पहले समाज में फैला अंधविश्वास को थोड़ा बहुत दूर करना है। अब बैकडन यशो में बढ़ते हैं, बैकडन दो तुम्हारे साथ देखो। अरे मुख बंद होना खुला है। तो फ्रेंड, फाइनली करते हैं इसको पैक, शाम होने वाला है, तुरंत जंगल में भी पहुंचना है और इसको रिलीज भी करना है। कहा बेटा तुम्हारी आजादी, जा तो फ्रेंड, फाइनली हमारा पैक हो चुका है, जाएंगे नेचुरल हैबिटेट में, उसके बाद करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जो सांप को अभी हमने रेस्क्यू किया है उसको नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर रहे हैं। रात भी हो चुका है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा रेस्क्यू एंड रिलीज वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।